इलाहाबाद जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन ने ट्रेजरी ऑफिस में किया कार्यभार ग्रहण। कहा शासन की योजनाओं को मूलभूत रूप से संचालित करना ही होगी उनकी पहली प्राथमिकता। निर्माणाधीन बंधे का कैंपियरगंज के विधायक एवं पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह ने किया औचक निरीक्षण। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को दी चेतावनी। सदर तहसील सभागार में आयोजित समाधान दिवस में आए 90 मामलों में से 2 मामलों का हुआ त्वरित निस्तारण। महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई कर विभाग की समीक्षा बैठक। बकायेदारों से वसूली पर दिया गया जोर। मानदेय बढ़ाए जाने की मांग को लेकर यूपी बोर्ड के उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य बहिष्कार करने वाले शिक्षकों ने मंगलवार को जुबली इंटर कॉलेज में दिया धरना। पहली बार ई लॉटरी से शराब के दुकानों के आवंटन से आवंटी दिखे संतुष्ट। सरकार को भी हुआ 13,51,00,000 के राजस्व की प्राप्ति। विश्व हिंदू परिषद द्वारा धर्म रक्षा निधि समर्पण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। वक्ताओं ने परिषद के स्थापना और संचालित कार्य पर डाला प्रकाश। जटाशंकर स्थित गुरुद्वारे में आयोजित हुई रक्तदान शिविर। सर्व समाज के लोगों ने स्वेच्छा से किया रक्तदान। 21 मार्च को मुख्य सूचना आयुक्त जावेद उस्मानी का होगा महानगर में आगमन। विविध कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। राज्य आमंत्रण महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता में रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम ने चारगावा ब्लॉक को हराया। और गोरखपुर क्रिकेट लीग के पहले क्वार्टर फाइनल में टीडीएस क्रिकेट एकेडमी ने खलीलाबाद चैंपियन को 118 रनों से पीटा। सेमीफाइनल में जगह की पक्की।